नमस्ते, मैं अभिषेक नंदन सरस्वती विद्या मंदिर तिरोथू का पूर्व छात्र आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बिहार में स्थित रोहतास जिले के कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाऊंगा और कुछ जानकारियाँ दूंगा। रोहतास बस एक जिले का नाम नहीं बल्कि खुद अपने आप में एक इतिहास है जो बिहार में आर्यों के प्रसार के साथ पड़ा। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास द्वारा स्थापित रोहतासगढ़ के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रोहतास पड़ा। शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में आपने जरूर सुना होगा जो कि हमारे रोहतास जिले में स्थित है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था जिसने मुगल सम्राट को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। रोहतास जिले के तिलोथू प्रखंड में स्थित मातृत्वेश्वरी भवानी की प्रतिमा अति प्राचीन है। यह मंदिर मनोवांछित फल प्राप्ति को लेकर प्रसिद्ध है। शारदीय नवरात्र की नवमी व श्रावण पूर्णिमा को तिलोथू प्रखंड के अधिकांश गांवों के लोग पहले तूतेश्वरी माता की पूजा अर्चना कर ही अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं। कशिश जलप्रपात भारतीय राज्य बिहार के रोहतास जिले के अमझोर में स्थित एक झरना है जिसे कशिश के नाम से जाना जाता है। यह बिहार का सबसे ऊंचा झरना है। लगभग 850 फीट ऊपर से पानी गिरता है। यह स्थान चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। इसके घने जंगल से पहाड़ों का नजारा अतिरमणीय है। यह रोहतास जिला के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। बरसात के मौसम में खिल जाती है परिसर की खूबसूरती। पानी गिरने की ऊंचाई के शानदार दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं पर्यटक। इस जिले में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक प्रेमियों को आकर्षित करने वाली जगहें हैं जहाँ जाकर आप न सिर्फ प्रकृति के सुंदरता को निहार सकते हैं बल्कि प्रकृति के संगीत का भी आनंद ले सकते हैं। कैमूर की पहाड़ी पर स्थित मांजर कुंड और धुआं कुंड ऐसे ही जगह हैं जहां पर जलप्रपात प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। मांजर कुंड कैमूर की पहाड़ियों में 3 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित मांजर कुंड एवं धुआं कुंड बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं। पहाड़ से काम नदी की पानी एक धारा बनकर टेढ़े मेरे रास्ते से गुजरते हुए मांजर कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। इसका पानी ऊंचे पर्वत से झरना के रूप में जमीन पर गिरता है जो कि देखने में काफी सुंदर आंखों को सुकून पहुंचाने वाला होता है। धुआं कुंड मांजर कुंड से कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाला एक जलप्रपात है जिसका नाम धुआं कुंड है। इसका नाम धुआं कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि इतनी ऊंचाई से पानी गिरने के बाद चारों तरफ धुंध ही धुंध उठता है। इस जलप्रपात का आनंद लेने के लिए रोहतास से ही नहीं बल्कि कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं।
रोहतास जिला में आपने इंद्रपुरी का नाम जरूर सुना होगा। इंद्रपुरी में इंद्रपुरी बराज 1407 मीटर यानी कि 4616 मीटर फीट लंबा है और यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा बराज है। इसका निर्माण 2253 मीटर लंबे फरक्का बराज का निर्माण करने वाली कंपनी HCC ने किया था, जो दुनिया में सबसे लंबा है। इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1960 के दशक में शुरू किया गया था और इसे 1968 में चालू किया गया था। इक्यावन शक्ति पीठों में से एक माँ तारा चंडी मंदिर सासाराम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी की गुफा में स्थित है। मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस मंदिर के पास पहाड़, झरने व अन्य जल स्रोत हैं। इस पीठ के बारे में किंवदंती की सती के तीन नेत्रों में से श्री विष्णु के चक्र से खंडित होकर दायां नेत्र यहीं पर गिरा, जो तारा शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई ठोस साक्ष्य लिखित रूप से नहीं है, लेकिन मंदिर में स्थित शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि 11वीं सदी में भी यह देश के ख्यात शक्ति स्थलों में से एक था। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रोहतासगढ़ किला। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र व राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने कराया था। रोहतासगढ़ किला काफी भव्य है। किले का घेरा 28 मील तक फैला हुआ है। बहुत दिनों तक यह हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया और अनेक वर्षों तक उनके अधीन रहा। रोहतास न केवल दर्शनीय स्थलों और शक्ति पीठों के लिए बल्कि आश्रमों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत के कुछ प्रमुख और प्रचलित आश्रम की बात करें तो उनमें से एक आता है पायलट बाबा का आश्रम। परिसर में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जो कि बिहार का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा है। और बुद्ध भगवान के इस प्रतिमा का अनावरण CM नीतीश कुमार के हाथों से हुआ था। एक ऐसा शांत जगह जहां कोई भी पवित्र हिमालय क्षेत्र में पायलट बाबा से सीधे रहस्यवादी शिक्षण सीखता है। पायलट बाबा के भारत में कुल 4 वही 2 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों नेपाल और जापान में स्थित है। पायलट बाबा के भक्त दूर दूर से इनके आश्रम दर्शन करने आते हैं। उनमें एक सासाराम का आश्रम है, जहां आपको भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की भी झलक देखने को मिल जाएगी। यहां एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की गई है।